हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक स्मार्टफोन बोल रहे हैं? आप बजट स्मार्टफोन जिसके अंदर एक 5G प्रोसेसर भी हो, साथ में 50 मेगापिक्सल का ऊपर का कैमरा भी हो और साथ में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी हो। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले कौन से टॉप 5 स्मार्टफोन है जो 20,000 के अंदर आते हैं अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ, क्योंकि देखो प्रोसेसर अच्छा होगा तो भी आपको फोन चलाने में मजा आएगा। अगर आप एक गेमिंग फोन भी ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि बेस्ट गेमिंग फोन आप कितने तक बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑब्वियसली सी बात है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे भी चालू होने वाला है और अमेजन ग्रेट इंडियन सेल भी चालू होने वाला है, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे खासे सेल लगाने वाले हैं। उस सेल के बीच में आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए जो 5G सपोर्ट भी करे, एक अच्छा सा प्रोसेसर भी हो। क्योंकि अगर आपने बाई चांस अगर गलती से अगर आपने 5G के सेल में मतलब फ्लिपकार्ट के सेल में एक गलत स्मार्टफोन अगर आपने बाय कर लिया तो आपको पता है कि वो रिटर्न नहीं हो सकता, रिप्लेस हो सकता है। बस इस तरीके का मिस्टेक ना करने के लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे थे नेटवर्क। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अपने भी फोन में से टॉप 3 में जो आता है वो है रियलमी 12 5G। ये जो एक 5G फोन है साथ में आपको जो उसको प्राइस देखने को मिलता है, जो सेल में आपको देखने को मिलेगा 18,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा विद बैंक डिस्काउंट। उसके बात किया जाए इसमें जो रैम है 8GB रैम देखने को मिल जाता है और एक 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। उसका डिस्प्ले साइज की बात किया जाए तो उसमें 6.7 इंचेस का डिस्प्ले भी है। उसके बात किया जाए कैमरा का तो पीछे बैक साइड का आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिल जाता है। और उसके बात करिए फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा हो। उसके बात करिए इसमें जो प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का है। इसमें जो कोई बड़ा प्रोसेसर खास प्रोसेसर तो नहीं है, पता नहीं 20,000 के अंदर हर मीडियाटेक कहीं कोई प्रोसेसर आता है, क्वालकॉम का भी आ सकता है, स्नैपड्रैगन का भी आ सकता है, पर मीडियाटेक का ही रहता है, मोस्टली मीडियाटेक का ही रहता है इस बजट में। जो फोन आता है IQ Z9 5G, एक 5G स्मार्टफोन जिसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो 18,499, मतलब कि अगर आप सेल भी अगर बैंक डिस्काउंट भी लगाओगे ना तो 17,000 तक आपको आराम से पड़ जाएगा। उसके बात किया जाए इसमें जो 8GB रैम आपको देखने को मिल जाता है और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है और साथ में 44 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतना फास्ट चार्जिंग बहुत कम ही फोन में होता है। उसके बाद बात किया जाए इसमें इसका जो प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था इस प्राइस रेंज के अंदर मीडियाटेक का ही पता नहीं 35 प्रोसेसर मिलता है, इसलिए भी मीडियाटेक का ही प्रोसेसर है। उसके बाद क्या जो इसका जो कैमरा है इसमें जो कैमरा आपको दिया गया है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया गया है इसमें। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया है जो 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। फोन है जो सबसे ट्रेंडिंग में भी है सैमसंग का फोन है, ये सैमसंग स्मार्टफोन है जो आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्रेट इंडियन सेलियन बाय करते तो आराम से 13,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बस इसमें जो है ना आपको 8GB रैम देखने को 8GB आपको रैम देखने को मिल जाता है और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है और ये 114 का रन कर रहा है। उसके बाद बात किया जाए इसमें आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। अभी तक की आपने जो फोन देखे उसमें 5000 mAh की बैटरी थी, पर इसमें जो है 6000 mAh की बैटरी है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सकेगा। उसके बाद क्या 120Hz रिफ्रेश रेट का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, 120Hz का गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपके ऊपर से कोई भी टेम्पर लगाने की जरूरत नहीं है। सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद इसकी कैमरा की जो बात किया जाए इसका जो कैमरा है पीछे का 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिल जाता है प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करिए सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा 30 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है।
उसके बाद बात किया जाए, इसमें आपको टाइप सी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, जिससे हमारे लेटेस्ट एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अच्छा खासा स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।